भाई मुझे एक ये बात समझ में नहीं आती यार, इतना हाइट पे किला बनाने की क्या जरूरत है? हाँ देखो यार, अभी उतना हाइट है, अभी वहाँ पर जाना है। ओ भाई कितना नीचे से आ रहे हैं। लग रहा है बारिश आ रही है। बादल एकदम नीचे है अभी। पूरे नीचे से आ रहे हैं भाई, अभी मालूम नहीं कितना ऊपर जाना है अभी। भाई अभी बहुत ऊपर है रोड, भाई पूरा यूं यूं ऐसे 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 भाई। चलो चलते हैं। बारिश हो रहा है मगर उतना स्पीड से नहीं हो रहा है, हो रहा है फिर भी, लेकिन धीरे धीरे तेज होगा, इससे पहले कहीं छुपना पड़ेगा। यहाँ का व्यू देखो, ज़्यादा नहीं दो दो मिनट रेस्ट कर कर के चलते हैं ऊपर। सीधे डायरेक्ट पे जाना मुश्किल ही है, वैसे जा सकता है कोई अगर हाइपर थोड़ा दिखाए तो, लेकिन क्या ही जरूरत है इतना हाइपर दिखाने की, आराम आराम से जाओ। लेकिन बारिश हो रही है यार, बारिश पूरा फुल है यहाँ पे। फाइनली भाई इतना ऊपर चढ़ने के बाद मैं आ गया हूँ नाहरगढ़ किला। ये एंट्री गेट है, अभी जो मेन किला है ना अभी वो अभी बहुत दूर है यहाँ से। अभी जो फ़िलहाल अभी जो किले का बाहर का भी हिस्सा है वहाँ से भी एंट्री गेट है ये। और आ गया हूँ मैं इस किले पर, और मैं आपको बता दूँ इस किले में भाई 9 पत्नियाँ रहती थी, 9 राजा के 9 बीवियाँ यानी कि 9 रानियाँ रहती थी भाई। और चलो भाई बहुत ही दिलचस्प होगा ये देखना कि राजा की जो 9 पत्नियाँ थी, जो 9 रानियाँ थी, वो कैसे रहती थी और कैसे उनका जो रूम था, कमरा था, पैलेस था, मतलब कैसा था वो लग्जरी। चलिए वो चलते हैं देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं भी किले के बाहर हूँ अभी, और ताकि आप यहाँ का भी हिस्सा देखो, और फिर चलते हैं किले में। ये पहले ज़माने का स्विमिंग पूल है, देख रहे हो भाई, पहले ज़माने का स्विमिंग पूल, क्या ही मस्त है यार। भाई फाइनली ऊपर आ गया हूँ मैं। अब इस पूरे यार पूरे ये जंगल हो रखा है पूरा, मालूम नहीं आगे कैसे कैसे हैं। अभी हमें यहाँ से करके अंदर को जाना है, अभी इधर बहुत बड़ा है किला, देखते हैं कैसा रहता है आगे का एक्सपीरियंस। मैं फाइनली आ गया हूँ किले के अंदर, जस्ट ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आपको ये मिलेगा, और जहाँ से आप टिकट लेते हैं, मैंने टिकट ले लिया है, टिकट का प्राइस 52 रुपये था, ज़्यादा है नहीं। और जैसे ही आप एंट्री करते हैं आपको यहाँ पे एक म्यूज़ियम मिलेगा, और इसकी टिकट बहुत ही हाई है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, क्या है कि आप इसके अंदर वीडियो शूट नहीं कर सकते, तो भाई क्या ही फ़ायदा, जब वीडियो शूट ही नहीं कर पाए तो आँखों से देख के क्या ही फ़ायदा, जो आपको ना दिखा पाए तो हमारा घूमना कोई फ़ायदा ही नहीं। तो हम तो घूम लेंगे लेकिन आपको दिखा नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं इसके अंदर नहीं गया। और ये म्यूज़ियम है, शीश महल है, इसके अंदर बहुत सारी शीशे की तरह बना हुआ है। बाकी चलते हैं आगे, देखते हैं जहाँ पे हम घूम सकें और आपको भी दिखा सकें।
दिखाता हूँ आपको, ये है नकली शेर, एक्चुअली टाइगर है। ये रथ बहुत प्यारा है, शीश महल। बहुत ही अच्छा लगा मुझे रथ, ये शीशे से पूरा इसको पैकिंग किया गया है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ की व्यवस्था मिलेगी, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे खाने पीने की। और ये जस्ट ये साइड का व्यू है, किले के अंदर का ही है ये, और ये साइड का व्यू देख रहे हो भाई, क्या ज़बरदस्त व्यू है। फूड कोर्ट अंदर, वहाँ पे खाने पीने के सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको रानियों का स्विमिंग पूल दिखा रहा हूँ, चलो, जहाँ पे रानियाँ नहाया करती थी, ये उनका स्विमिंग पूल है, उनके लिए बनाया गया था। क्या ही ज़बरदस्त है भाई आज का स्विमिंग पूल, और पहले ज़माने का स्विमिंग पूल देख लो। ये जो किला है, ये किला राजस्थान के जयपुर में है। जब आप अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप जयपुर रेलवे स्टेशन उतर के वहाँ से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर ये किला है, बहुत ही बढ़िया किला है। इस किले का नाम है नाहरगढ़ किला, बहुत ही बढ़िया। ये यहाँ से करीब हवा महल जो है ये पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 या 3 किलोमीटर के वो भी आसपास पड़ेगा हवा महल यहाँ से। ये किला 1734 में बनाया गया था, इस किले को महाराजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था इस किले को। भाई सच बता रहा हूँ, बहुत किला, बहुत ही बढ़िया किला है ये एक्चुअली जो किला है ना, ये किला एक पहाड़ पर बना है, बहुत ही ऊँची पहाड़ है ये, करीब 700 फीट का ऊंचा पहाड़ है ये, इसके ऊपर ये किला बना है। भाई सच में बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया किला है। चलो आपको पूरा किला घुमाता हूँ।